दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। गिलोय एक ऐसी औषधि है जो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों को दूर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसके जो पत्ते होते हैं वो पान के पत्ते के आकार के होते हैं और इनका रंग हल्का गाढ़ा होता है। गिलोय में खास बात यह है कि गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। यानी अगर गिलोय की बेल नीम के पेड़ पर चढ़े तो ये नीम के गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिसे हम नीम गिलोय के नाम से जानते हैं। और इसका हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। गिलोय का बोटैनिकल नेम टिंस्पोरा कॉर्डिफोलिया होता है और इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस ये सभी प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए गिलोय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। अब हम समझते हैं गिलोय की गिलोय का सेवन यानी कंजम्पशन कैसे करें। तो गिलोय का कंजम्पशन बेसिकली तीन तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका तो यह है कि हम गिलोय एक्सट्रैक्ट यानी गिलोय को सत्व के रूप में ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम गिलोय को टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिसको गिलोय घनवट्टी के नाम से जानते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि हम गिलोय को गिलोय जूस यानी गिलोय स्वरस के रूप में भी ले सकते हैं। अब यह निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार की बीमारी के लिए हम गिलोय का प्रयोग अपने शरीर पे कर रहे हैं, उस पे ये डिपेंड करता है कि गिलोय का कंजम्पशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। अब हम समझते हैं कि गिलोय हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको किस किस तरीके से सेवन करना चाहिए और किन किन बीमारियों में ये हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक है। तो सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज, जिसमें गिलोय का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गिलोय एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करता है, यानी ये हमारे ब्लड में शुगर को नियंत्रित करता है। गिलोय हमारे इंसुलिन के पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज का काम करता है, जिससे कि शुगर नेचुरली कंट्रोल होती है और साथ ही साथ ये इंसुलिन रेजिस्टेंट की तरह भी काम करता है। अब हम समझते हैं कि डायबिटीज में गिलोय का सेवन कैसे करना चाहिए। तो डायबिटीज के दौरान गिलोय स्वरस यानी गिलोय जूस का सेवन करना चाहिए। आप 5 से 10 मिलीलीटर गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिला करके सुबह सुबह खाली पेट लें, इससे डायबिटीज के मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। गिलोय में एंटीपायरेटिक गुण भी होते हैं, जिसके कारण ये बुखार, मलेरिया, डेंगू तथा स्वाइन फ्लू में काफी उपयोगी होता है। गिलोय का सेवन करने से किसी भी प्रकार के क्रोनिक फीवर को भी प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि बुखार के दौरान गिलोय को सेवन करने का तरीका। तो आप क्या करें कि गिलोय की 1 या 2 टैबलेट खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ लें और ये आप दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम ले सकते हैं। इससे फीवर में काफी आपको आराम मिलेगा। गिलोय हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को एनहांस करता है। इसके लिए आप गिलोय का जूस यानी 10 से 15 मिलीलीटर जूस दिन में 3 बार 1 कप पानी में मिला करके लें। गिलोय पीलिया के रोगों यानी जॉन्डिस के रोगियों के लिए भी काफी उपयोगी होता है। इसके लिए आप गिलोय एक्सट्रैक्ट को यानी 2 चुटकी गिलोय एक्सट्रैक्ट को आधे चम्मच शहद में मिला करके दिन में 2 से 3 बार खाएं, इससे जॉन्डिस की बीमारी में बहुत फायदा मिलता है। एनीमिया यानी शरीर में अगर खून की कमी हो तो ऐसे में गिलोय का सेवन करने से काफी फायदा मिलता है। महिलाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि उनमें खून की कमी हो जाती है और ऐसे में आप गिलोय के रस को यानी गिलोय के जूस को 10 से 15 मिलीलीटर जूस को दिन में 3 बार 1 कप पानी में मिला करके लें, इससे एनीमिया में काफी फायदा मिलता है। गिलोय स्किन तथा त्वचा से संबंधित रोगों में भी काफी उपयोगी होता है।
जिन रोगियों को अर्टिकेरिया या सोराइसिस की परेशानी हो, वो गिलोय का पेस्ट बना करके उसमें गुलाब जल मिला करके अपने शरीर के प्रभावित हिस्सों पर अगर लगाते हैं तो इससे उन्हें काफी आराम मिलता है। गिलोय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जिसके कारण या अस्थमा साइनस जैसे बीमारियों में काफी उपयोगी होता है। यानी जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आ रही हो वो गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में आप एक चम्मच गिलोय का चूर्ण बना करके एक चम्मच मुलेठी के पाउडर में मिला लें और साथ में एक चम्मच शहद भी मिला लें और दिन में दो बार इसका सेवन करें। ऐसा करने से साइनस और अस्थमा के रोग में काफी फायदा मिलेगा। गिलोय हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में भी काफी उपयोगी मानी जाती है। जो लोग अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं उनको हमेशा फैटी लीवर या लीवर की समस्या हो जाती है। ऐसे में गिलोय के एक्सट्रैक्ट में एक चम्मच शहद मिलाकर के दिन में दो बार लेने से काफी फायदा मिलता है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण भी होते हैं जिसके कारण यह जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस और गाठिया में काफी उपयोगी माना जाता है। ऐसे में गिलोय के रस को यानी 10 से 15 मिलीलीटर गिलोय रस को एक कप पानी में मिलाकर के दिन में तीन बार लें तो आर्थराइटिस के मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण भी होते हैं जिसके कारण यह खांसी या क्रोनिक कफ जैसी समस्या में काफी उपयोगी माना जाता है। आप गिलोय के सत्व में एक चम्मच शहद मिलाकर के दिन में दो से तीन बार इसका सेवन करें तो काफी फायदा मिलेगा। इसके लिए आप गिलोय का काढ़ा बनाकर भी उसमें शहद मिलाकर के पी सकते हैं, उससे भी काफी फायदा मिलेगा। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां जो कफ या खांसी के लिए मार्केट में मौजूद है उनमें गिलोय का प्रयोग जरूर होता है। गिलोय हमारे शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक डिसऑर्डर को भी ठीक करता है। यानी अगर हम एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो गिलोय का सेवन करने से बहुत फायदा मिलता है। ऐसे में गिलोय के चूर्ण को रात में एक ग्लास गर्म पानी के साथ रोज सेवन करें और 15 दिनों तक लगातार सेवन करने से आप देखेंगे कि एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की समस्या प्राकृतिक तरीके से ही कंट्रोल होने लगी है। अगर वॉमिटिंग की समस्या काफी ज्यादा हो रही हो यानी बार बार उल्टी आ रही हो या एसिडिटी के कारण उल्टी आ रही हो तो ऐसे में गिलोय का सेवन करने से काफी फायदा मिलता है। आप 15 ग्राम गिलोय के रस में 5 ग्राम मिश्री को मिला करके अच्छी तरीके से हिला लें और फिर इस रस को दिन में दो बार यानी सुबह और शाम को सेवन करें। ऐसा करने से वोमिटिंग होना बंद हो जाता है और एसिडिटी की समस्या भी ठीक हो जाती है। गिलोय बवासीर में भी काफी उपयोगी माना जाता है लेकिन इसके लिए कॉम्पोजिशन तैयार करना पड़ता है। आप 20 ग्राम हरड़, 20 ग्राम सूखा धनिया और 20 ग्राम गिलोय इन तीनों को अच्छी तरह आपस में मिला लें और 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से उबाल लें। जब ये पानी यानी काढ़ा 1/4 भाग रह जाए तो इसे छान लें और इसमें गुड़ मिला लें। उसके बाद सुबह शाम इसका खाना खाने के बाद सेवन करें। ऐसा करने से बवासीर की समस्या में काफी आराम मिलता है। गिलोय में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी होती है यानी जो मरीज कैंसर से पीड़ित है उनको गेहूं के ज्वारे में गिलोय के रस को मिलाकर के देने से और ऐसा दिन में दो बार करने से कैंसर के मरीजों को काफी फायदा मिलता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि गिलोय के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं यानी कौन कौन से ऐसे व्यक्ति या मरीज हैं जिनको गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति लो ब्लड शुगर की समस्या से पीड़ित है उन्हें गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि गिलोय एक प्रकार का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है और ऐसे में यह ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है और कम करता है। इसके अलावा जो व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित हो उन्हें भी गिलोय का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि गिलोय ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जाना जाता है। जो व्यक्ति ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या से पीड़ित हो उन्हें भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि गिलोय हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ऐसे में गिलोय का सेवन करने से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के और बढ़ जाने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों
ये थी गिलोय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और इनको सेवन करने की विधि। अगर आप गिलोय के बारे में कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करके आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।